अच्छा, खाने से रिलेटेड ना बहुत लोग इस चीज के लिए भी परेशान रहते हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन आज मैं फटाफट कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आपने फॉलो किया ना तो आपको कभी भी खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना एसिडिटी होगी, ना प्रॉब्लम होगी, आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो चलिए कुछ फटाफट टिप्स। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदे जिंदगी, शेयर प्लेस विद पूर्वी। अच्छा, खाना बनाने से पहले ना कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सब्जी कैसे धोते हैं, तो पहले तो हमें सब्जी प्रॉपर तरीके से धोनी है। ऐसे नहीं कि फटाक से पानी से एक बार खंगाल लिया सब्जी धुल गई, नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया सब्जी के ऊपर पनपते रहते हैं। और हम जैसे कि बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खाने को नहीं पकाना चाहिए सब्जी को, तो वो बैक्टीरिया मरते नहीं है, वो बैक्टीरिया एज इट इज रहते हैं, वो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ना खाने को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, लेकिन धोना प्रॉपर है। सब्जी, कोई भी सब्जी ला रहे हैं, उसे आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद उसे वॉश करके अच्छे से पकाइए। इससे कोई भी बैक्टीरिया आपकी सब्जी पर नहीं पनपेगा और आप हेल्दी बने रहेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा, तभी आप हेल्दी खाना बना पाएंगे। पहली बात तो ये, सब्जी अच्छे से धोइए। दूसरी बात, हमें ना खाने को बहुत देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत देर तक पकाए तो जो गुड बैक्टीरियाज है या गुड फैट है वो भी खत्म हो जाता है। और सब्जी को ना ढक के बनाइए, इससे उसकी पौष्टिकता बनी रहती है। और कोशिश करके कुकर में ज्यादा देर तक सब्जी मत पकाइए, क्योंकि कुकर आपके जितनी पौष्टिकता है वो तो खत्म कर ही देती है, और साथ में प्रॉब्लम्स और भी आती हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, ये भी बढ़ जाती है। तो हमें कुकर से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कुकर को, और हो सके तो दूसरे बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, ताकि खाना पक भी जाए, हेल्दी भी हो। और कोई भी दाल होती है ना, हम सोचते फटाफट पक जाती है कुकर में, लेकिन वो हमें गैस करती है, तो हमें दाल को बहुत देर तक भिगाना है और फिर उसे पकाना है। कुकर में पकाने की गलती मत कीजिए। अच्छा, हम भी ऐसा करते हैं कि दाल को बना के फटाफट निकल लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको हड़बड़ी है तो आप दाल को पहले भिगा दीजिए। जब भिगा देंगे तो फिर बात ही खत्म, आपको दाल को कुकर में पकाए जिसमें पकाए वो पक चुकी होती है और फटाफट पकती है। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी दाल पहले से अच्छे से भीगी होनी चाहिए, इससे दाल की पौष्टिकता भी बनी रहती है और जल्दी भी बन जाती है, आपकी गैस की खपत कम होती है। अगर भूख बढ़ाने की बात करें तो आपको अदरक थोड़ा सेक के उसमें सेंधा नमक लगा के खाइए, इससे भूख बढ़ती है। दूसरा, नींबू, नींबू डाल के अगर खाने में आप खाने को खाते हो तो वो टेस्टी तो लगता है और आपके भूख को और बढ़ाता है। और अगर आपको खाने को कम करना है, अपने खाने को, अपनी डाइट को कम करना है ना, तो आपको खाना खाने से एक घंटे पहले अच्छे से पानी पी लेना है या अच्छे से फ्रूट जम के खा लेना है। इससे क्या होगा, फ्रूट का इंटेक कर लिया लेकिन आपको खाना खाने की ज्यादा तलब नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। पानी अगर बहुत ज्यादा पी लिया एक घंटे पहले तो भी आपका खाना बहुत ज्यादा आपको खाने की नहीं लगेगी, आपका खाना कम हो जाएगा। इस तरह से आप अपने खाने को और अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही खाने को चबा के जरूर खाना चाहिए। खाने को अगर चबा के नहीं खाया ना, ऐसे ही खाते चले गए, जल्दी 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 कहीं जाना है, देर हो रही है, तो आप जल्दी से खाना खा रहे हो, निपटा रहे हो, खाने को निपटाना नहीं है, तसल्ली से खाना है, बहुत आराम से खाना है। कोई काम है, आपको लग रहा है उस काम में लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो काम करके फिर खाइए, लेकिन खाने को तसल्ली से खाइए। तसल्ली से खाएंगे, हेल्थ को भी लगेगा, फिट भी रहेंगे। दूसरी बात, जब भी खाइए, चबा के तो खाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको बीच में पानी नहीं पीना। पानी पिया ना तो वो आपके हेल्थ को नहीं लगेगा, इसलिए पानी नहीं पीना, इस चीज को जरूर जरूर याद रखिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप तो जरूर देना बनता है कि आपको खाना खा के ना तुरंत लेटना नहीं है, बैठना भी नहीं है, आपको 100 कदम कम से कम चलना है। अगर हमने 100 कदम चला ना तो वो डाइजेस्ट भी होगा और आपका पेट बाहर नहीं आएगा। इसलिए आपको ना जब भी खाना खाना है तो 100 कदम चल के या कुछ काम करके आ जाइए 2-3 मिनट का, और इस बहाने वॉक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 100 कदम चलना है और उसके बाद ही बैठना है। इससे खाना पच भी जाएगा और आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। मॉर्निंग में आपने नाश्ता 10 बजे तक किया, ठीक है, 2 बजे से 2:30 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए, लेकिन रात का खाना ना आपको 6-7 हाईएस्ट 8 के बाद नहीं खाना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत और बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आपको जब भी खाना खाना हो तो 8 बजे से पहले खा लीजिए, कोशिश करके 7 बजे तक खाइए, नहीं पॉसिबल है कोई बात नहीं 8 बजे तक खाइए, लेकिन 2 घंटे आपको सोना नहीं है। खाना खाने के बाद 2 घंटे आपको कोई भी वर्क करना है, कुछ भी करना है करिए,
लेकिन 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और मोस्टली रात को खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए कुछ भी टहल लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल सच है कि आपको ना खाना एकदम लिमिट से बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें 2-3 घंटे में निपटाना होता है। 3-4 घंटे के अंदर अगर आपने खाना नहीं निपटाया ना, तो वो व्यर्थ है, वो वेस्ट है। तो आपको खाना, पौष्टिक खाना ना 3 घंटे के अंदर आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर इस खाने को फिनिश करना है। खाना उतना ही बनाइए जितना आप खाते हो, और खाना उतना ही थाली में लीजिए जितना आप खा के खत्म करें। वो कहते हैं ना, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो बिल्कुल अगर आपको खाना उठाना है ना, उतना ही लीजिए जितना आप फिनिश कर पाए। और दूसरा, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि खाने को लिमिट से ही बनाइए। बहुत ज्यादा एक्सेस बना के आप रख देते हैं और सोचते हैं शाम को काम आ जाएगा, तो वो एज अ फूड ठीक है, बट एज अ हेल्थ के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप हेल्थ को पौष्टिकता देने के लिए वो फूड खा रहे हो, ना कि पेट भरने के लिए। अगर पेट भरने के लिए खा रहे हो तो आप जैसा खाते हो ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाना है, अपनी हेल्थ को मजबूत बनाना है ना, तो आपको 3 घंटे के अंदर पौष्टिकता लेनी है, तो उन 3 घंटों के अंदर आपको वो खाना खा लेना चाहिए। और अगर इनकेस अगर आपका खाना एक्स्ट्रा बन जाता है, तो किसी पशु पक्षी को खिलाइए। ऐसा नहीं कि आप उसे डस्टबिन में डालिए, उसे जानवरों को दे सकते हैं, इससे वो खाना वेस्ट भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा और किसी के मुंह में चला जाएगा। हालांकि मुझे बताएं, आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप जमीन पर बैठ के खाना खाते ना, तो आप बहुत हेल्दी बने रहेंगे। आपको पलथी मार के जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। एटलीस्ट आप एक टाइम का डिनर हो, लंच हो, आपको पलथी मार के बैठ के नीचे खाना खाना चाहिए। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपको पूरी पौष्टिकता मिल पाती है। अच्छा, आपने अच्छे से सब्जी वॉश की थी, अच्छे से सब्जी पकाई थी, और 3 घंटे के अंदर ही आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आप हाथ धोए बिना खाना खा रहे हैं, तो आपके साथ तो आपके जम्स भी मुंह में जाएंगे, है ना। आपके खाने के साथ आपके जो हाथ में जम्स है ना, वो भी मुंह में जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को तो बिल्कुल मत भूलिए कि आपको हाथ धो के खाना खाना चाहिए। अच्छा, हम ना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन नहीं, पेट को भरने के लिए खाना नहीं खाना होता है। खाना हमेशा आधा खाना होता है। आपको जितनी भूख लगी ना, उसका आधा खाइए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आयुर्वेद में इसका बार बार जिक्र किया गया है, और आपको इसे फॉलो करना चाहिए कि आपको जितनी भूख लगे ना, उसका थोड़ा कम खाइए। टेस्टी बनी है सब्जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्जी खा लीजिए, लेकिन आप खाना मतलब रोटी बहुत एक्सेस मत खाइए। वेजीज आप एक्सेस खा सकते हैं, अगर टेस्टी बनी है तो उसे रुकी खा लीजिए, लेकिन आप रोटी का इंटेक बहुत ज्यादा मत कीजिए। फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं, पानी का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं। खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, इस चीज को याद रखिए। और अगर आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा तलब हो रही है, तो कुछ गर्म ग्रीन टी इसको ले सकते हैं, इससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो भी जाता है। लेकिन अगर आपने खाने के साथ पानी पी लिया, और बहुत खराब होता है ठंडा पानी, अगर आपने खाने के साथ ठंडा पानी पी लिया ना, तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देगा, उसे पेट में ही सड़ा देगा। इसलिए आपको खाने को हमेशा फ्रेश खाना है, हेल्दी बना रखना है अपने हेल्थ को, तो इस चीजों को याद रखिए और फिट रहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।